दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएससी डाक मित्र पोर्टल के विषय में। आप सीएससी डाक मित्र पोर्टल में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप अपने सीएससी सेंटर को कैसे पोस्ट ऑफिस के तरीके से पार्सल पोर्टल बना सकते हैं। आपको पता होगा सीएससी के माध्यम से आप सीएससी डाक पोर्टल मित्र बोल सकते हैं, डाक मित्र पोर्टल बोल सकते हैं, स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यह क्या है और आपको इसमें कितना कमीशन मिलेगा और आपकी कौन कौन सी सर्विसेज बढ़ने वाली हैं, इन सभी के डिटेल के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले वीडियो आप लगातार देख सकें। तो सीएससी डाक मित्र पोर्टल क्या है, इसके विषय में जानने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पूरा डिटेल मैंने बताया है कि सीएससी डाक मित्र पोर्टल क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आपको मैं बता दूं कि सीएससी डाक मित्र पोर्टल है क्या। इस पोर्टल से सीएससी वैली अपने ग्राहकों की चिट्ठी, लेटर या किसी भी सामान को अपने रिश्तेदारों को रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। आपको अभी तक क्या होता था, किसी भी सामान को अगर भेजना है तो आप अपने या तो पोस्ट ऑफिस जाते थे या किसी कुरियर कंपनी के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब आप ये सारा काम सीएससी वैली के माध्यम से सीएससी सेंटर पर भी करा सकते हैं, क्योंकि सीएससी वैली को सीएससी डाक मित्र पोर्टल दे दिया गया है और इसके माध्यम से आप स्पीड पोस्ट, लेटर, मनी ऑर्डर जो भी कराना चाहे करा सकते हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होगा वो मैं बताऊंगा। अगर आप एक सीएससी वैली हैं तो आप इस पोर्टल का एक्सेस या आईडी पासवर्ड कैसे ले सकते हैं, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, लाइव करके दिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये है क्या वो आप जान लें और इसमें सारा डिटेल मैंने, स्ट्रक्चर कितना, कमीशन आपको कितना मिलेगा, मतलब कि डाक मित्र जो सीएससी डाक मित्र पोर्टल कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, लिस्ट उसकी क्या है, वो यहाँ पर मैंने दे रखी है। अगर हम बात करें बुकिंग अमाउंट, अगर आप 200 रुपये का बुकिंग अमाउंट करते हैं तो टोटल कमीशन 15 रुपीज़ है, टोटल कमीशन इन रुपीज़ 30 रुपीज़ सीएससी कनेक्ट को मिलेगा। तो आपको टोटल जो मिलने वाला 22.8 रुपये का जो कमीशन है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं सीएससी डाक मित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लिंक दे रखा है, सबसे पहले आपको सीएससी डाक मित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन लिंक पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। मैं इसे नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे, वेलकम टू सीएससी डाक मित्र पोर्टल। यहाँ पर देखिए सीएससी वैली का एक लोगो लगा वगैरह, कंटिन्यू विथ कनेक्ट का एक बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे अपना सीएससी आईडी और आपका पासवर्ड और एक कैप्चा डालने को बोलेगा, तो आप सीएससी आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन इन करते हैं तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होकर आएगा, जिसमें आपका नेम, आपकी सीएससी आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस पड़ा हुआ होगा, आपका पिन कोड भी डला होगा। आपको फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन में वो पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है जिससे आप अपने पोस्ट को लिंक करना चाहते हैं, अपने सीएससी सेंटर को लिंक करना चाहते हैं, तो आपका जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस वो सिलेक्ट कर लें। आपको फैसिलिटी कोड एक असाइन हो जाएगा और इसके बाद आपको प्रोसीड करना है। DOP कोड सक्सेसफुली लिंक्ड विथ सीएससी आईडी, आपका DOP कोड जो है वो लिंक हो चुका है। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको ये पेज मिलेगा, यहाँ पर आपका प्रोफाइल दिखेगा, यहाँ पर टोटल बुकिंग दिखेगी, यहाँ टुडे बुकिंग दिखेगी, यहाँ टोटल अमाउंट आपका दिखेगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक पहले होम का साइड मिलता है, इसके बाद आपको बुकिंग का टैब मिलता है, फिर आपको ट्रैकिंग और इसके बाद रिपोर्ट और लॉगआउट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप किसी भी सामान को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बुकिंग पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने बुकिंग डिटेल फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, अगर आपको सेंडर की डिटेल जो भेज रहा है उसकी डिटेल भरने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इंटर रिसीवर डिटेल जो रिसीवर है जहाँ पर आप भेज रहे हैं उसका भी फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंड फॉर्म है, सेंड टू मतलब भेजने वाला और कहाँ भेजना है उसका डिटेल आपको देखना है। तो यहाँ पर बारी बारी से ऐसे नेम है, पिन कोड है, स्टेट है, सेंडर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऐसे आपको रिसीवर जहाँ पर भेजना है उसका डिटेल भरना होगा। इसके बाद फुल एड्रेस दोनों का भरने के बाद आर्टिकल डिटेल, आपको आप इसे स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं, रजिस्ट्री करना चाहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद वेट फिल करना होगा कि आप जो पार्सल भेज रहे हैं उसका वेट कितना है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है और हाइट क्या है। ये सभी डालने के बाद आपको कैलकुलेट ट्रैफिक पर क्लिक करना होगा, तो आपका टोटल अमाउंट दिखाएगा कि पोस्ट ऑफिस आपसे कितना पैसा लेने वाला है। इसका वीडियो मैं अगली बार बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो या जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं और ज़्यादा डिटेल के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।